नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपको दोबारा अपने साथ शॉपिंग लेके जा रही हूँ एंड इस बार हम जा रहे हैं स्प्लैनेट। हाँ, कोलकाता का सबसे फेमस मार्केट स्प्लैनेट एंड मैं अपनी मॉम के साथ जा रही हूँ। ऑल्सो सुन, आवाज़ तो आई होगी आपको, मौसम कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बादल काफ़ी ज़्यादा है, बादल गरज भी रहे हैं एंड आपको दिख ही तो रहा होगा मौसम कुछ अच्छा है नहीं एंड तब भी हम सिद्धी लोग बाहर जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। तो चले देखते हैं कैसा होता है आज का शॉपिंग हमारा। तो मम्मी आपको क्या लगता है आज मौसम के हिसाब से हमारा शॉपिंग कैसा जाएगा? अच्छा ही होगा। इतना भयानक मौसम अभी अच्छा जाएगा? जाना तो चाहिए, चलो देखते हैं। तो एज ए हर्ड हम दोनों विश कर रहे हैं कि बारिश ना होगी, क्योंकि बारिश होगा तो पूरा शॉपिंग बर्बाद हो जाएगा। सो लेट्स गो एंड सी, पता नहीं आज क्या होने वाला है हमारे साथ। फॉर्चुनेटली बारिश हो गया, पता था यही तो होने था हम लोग के साथ, पर जैसे तैसे तब भी करके हम लोग स्पैनेट पहुँचे। बट इससे पहले आगे का वीडियो देखिए, ये देखिए मैंने एंड मेरी मॉम ने मास्क पहना है। तो कृपया करके आप भी जब बाहर जाएं तो ज़रूर मास्क पहने प्लीज़, कोविड को इतने हल्के में ना ले। आगे की वीडियो में मैं और मेरी माँ दोनों लापरवाही करेंगे, बट आप हमारे जैसे लापरवाही बिल्कुल ना करें प्लीज़, कृपया करके। सो आगे बढ़ते हैं, हम लोग स्पैनेट किसी तरह पहुँच गए। सो नेक्स्ट वी जस्ट हम मेट्रो से निकले हैं एंड यहाँ तो बारिश की अता पता ही नहीं है, धूप है वो भी बहुत भयानक वाला धूप एंड पता नहीं यहाँ से बारिश कहाँ चला गया। आई थिंक सिर्फ हमारे एरिया में ही हो रहा था बारिश, पर स्टिल बुरा लगता है यार। आधे भींगे हुए थे हम लोग बहुत बुरी तरह से, आधे पूरे हुए थे ऐसा नहीं तब भी। एंड ये पहला शॉप में हम लोग के एंड यहाँ पर क्लिप्स एंड क्लस्टर बहुत अच्छे अच्छे थे। मैंने यहाँ से दो ठो क्लॉक क्लिप ले लिया जो मुझे काफ़ी टाइम से ज़रूरत था, बड़े वाले क्लॉक क्लिप एंड मैंने ये डब्बो वगैरह भी लिए है। इसका प्राइस सुन सकते हैं आप, जैसे बड़ा वाला है ये भी 40 20 20 20, ये वाला अच्छा है, सॉफ्ट वाला है। एंड नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि अभी बहुत बड़ा बाजार है, हम लोग पीछे से होते हुए जा रहे हैं, हम लोग आगे से होते हुए नहीं जा रहे हैं। दादा कितने कितने का? 100 रुपये। दादा ये वाला 100 का? हाँ ये अच्छा लग रहा है ना, बहुत बड़ा भी नहीं पहनते हैं। हाँ ये ठीक है, लेना कितने का ये दादा? ये 100 कम नहीं, फिक्स है। ये कितने का दादा? अच्छा लग रहा है ना, मत पतला पतला देखो ना, कौन सा ये वाला? अच्छा दादा ये देखना, ये है डेजी, पता है डेजी फ्लावर आता है ना, और ये भी सेम। हंड्रेड का है, फ्लावर वाला अच्छा लग रहा है ना, इसके साथ पहन लीजिए, कलरफुल है तो सबके साथ चला जाएगा, अभी आँख बहुत चल रहा है। हाँ इसलिए बोल रही, कलरफुल दिखा दीजिए। डबल है? हाँ करिए। सो हम लोग सूट बाजार में, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट शॉप इन लाइक स्प्लैनेट टू बी ऑनेस्ट। इनके प्राइस भी काफ़ी अच्छे होते हैं एंड इनके पास सब कुछ होता है, लहंगा वगैरह सब कुछ हर रेंज में होता है एंड एज यू कैन सी इनके पास काफ़ी ब्यूटीफुल पीसेज है। मम्मी ने थोड़े से लाइट में शरारा मांगा था तो वो वही दिखा रहे हैं एंड यहाँ पर सब कुछ, सी दुकान ही इतना बड़ा है एंड हाँ मैं वीडियो करना अलाउ नहीं था तब भी उन्होंने थोड़ा बहुत करने दिया, बट उन्होंने बाद में बोला कि बस इतने ही काफ़ी, आप ज़्यादा मत करो। हमने ज़्यादा फिल्म नहीं की एंड मैंने कुछ एक चीज़ पसंद किया तो मैंने, हम लोगों ने वो बाइक कर लिया एंड उसके बाद हम बाहर आ गए। जा रहे हैं ट्रेन स्टेशन,
ट्रेजर आइलैंड एशी मार्केट। ये मार्केट पूरे सिर्फ कपड़ों का है, स्पेशली लड़कियों के कपड़ों का। एंड इसकी मार्केट के बाहर में भी काफ़ी सुंदर सुंदर शॉप्स है, सब देख सकते हैं। बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस है, सूट एंड ऑल। पर हम इस मार्केट के अंदर नहीं हैं, तो हम बाहर आ गए हैं। पर देखते हैं, इसके बिल्कुल स्टाइल नहीं पूरे मार्केट में। एंड हाँ, वहाँ भी फिल्म करना मना था, तो हमने ऑप्शन किया नहीं। एंड मार्केट में कुछ था नहीं, तो हमने कुछ लिया भी नहीं, बस इससे पहले नहीं किया। बाहर की मार्केट घूम के नेक्स्ट हम लोग वहाँ से निकलते ही ट्रेजर आइलैंड से हमें यह दुकान मिला, तो हम इस दुकान में घुस गए। एंड इनके पास काफ़ी सुंदर सुंदर पीसेस थे। स्कर्ट मेरे को उतना पसंद नहीं आ रहा इसके साथ। ये वाले का कितना रेंज है? 6,000 तो ये वाला अच्छा लगा, पता कम नहीं देखिए कितने का, 500 पहले कम कर दिया तो बजट कम है। कलर ऑप्शन मिल गया वाइट कलर का, वाइट के साथ आपका कॉम्बिनेशन में जाए। तो अभी आया है स्टॉक, तो आपको मिल रहा है, अदरवाइज करिए। दोनों ही कलर पे है, देख रहे हो आप, इसका क्लास अलग है। और पिंक का की रेट बोले 7500 है। किसमें? पिंक में वो वाला, पिंक स्टोन वाला। पिंक चाहिए, पिंक में मिलेगा। और भी बोलिएगा, वैरायटी दिखा देंगे। कलर भी बहुत, आपको बैक में भी अगर बहुत चाहिए तो इसमें बैक में ही हुआ है। ये सीधे लगाइए ना मेरे, इसका क्या प्लस पॉइंट, आपको दुपट्टा भी पूरा वर्केड है। ये देखिए, ये लो बिल लग दे। नहीं डार्क कलर में कुछ चाहिए तो डार्क कलर में 200। नेक्स्ट हम ये जिप्सी बुटीक में आए हैं, जो एकदम सूट बाजार से पहला जो शॉप दिखा है उसके बगल में है। एंड आई डोंट नो इनका कोई रिलेशन है ये नहीं, बट मुझे लगता है कि है। एंड हाँ, यहाँ पर भी फिल्म करना अलाउ नहीं था, बट मेरी मॉम ने कुछ बाय कर लिया। एंड जैसे आप देख सकते हो, जो वो बहुत टाइम से खोज रही थी। एंड उसके बाद हमने ये न्यू मार्केट हम यहाँ पर आए हैं। एंड यहाँ पर एज यू कैन सी, यहाँ पर लगभग सब कुछ है, फ्रॉम ज्वेलरी टू टॉयज टू हेयर एक्सटेंशन एंड ड्रेसेस, यहाँ पर सब थे। एंड काफ़ी ब्यूटीफुल स्टफ्स थे। एंड फिर यहाँ से मैंने कुछ बाय किया, जो मैं आपको आगे के वीडियो में एंड में दिखाने वाली हूँ। एंड यू कैन सी, यहाँ पर अभी जो ट्रेंडिंग बॉटल्स वगैरह चल रहे वो भी काफ़ी सारे हैं। एंड फिर उसके बाद ज्वेलरीज ऐसी सॉ, बहुत सुंदर सुंदर सेट्स वगैरह थे। एंड क्लोज वाला
सो जैसे आपने सुना वहाँ का प्राइस काफ़ी ज़्यादा था, बट अभी पूजा का सेल चल रहा है तो ऐसे ही है। एंड हम लोग फिर बाहर के मार्केट में आए, यहाँ पर लगभग सब कुछ है। कितने का ये वाला? अरे कोतो 650। उससे अच्छा बोला ना, देख ले। नहीं उतना सितारा नहीं चाहिए। सो लुक एट दिस शॉप, यहाँ पर हर टाइप के क्लिप्स, क्लचर एंड वगैरह सब कुछ, एंड काफ़ी हर डिज़ाइन के भी हैं। इनके प्राइस भी काफ़ी अच्छा है, लाइक क्लॉ क्लिप्स वगैरह एंड डिज़ाइनर क्लिप्स एंड पार्टी क्लिप्स, लाइक हर टाइप का जो भी ट्रेंडी क्लिप्स चल रहा है सब है उनके पास। सब 50 का? सब 50 का कलर ब्लैक एंड वाइट दे, अभी हम लगा लेते लगा के देखो एक बार। यहाँ कॉस्मेटिक का भी बहुत सब कुछ मिलता है। ये देखिए दादा, पैलेट कितने का? बड़ा वाला 1000 का है और ये 700 का है। 700,000। देखो नेल भी है। सब कुछ है, क्या क्या चाहिए तुम्हें? अच्छा लगेगा। और भी है, देखिए यहाँ पे लुक एट द ज्वेलरी। यहाँ पर तो हर तरह की ज्वेलरीज थे, बट मोस्टली अभी दुर्गा पूजा वाला ही ज्वेलरी आया हुआ है और कुछ ज़्यादा अलग तरह का ज्वेलरी नहीं है। हम लोग को ज्वेलरी खोज रहे थे पर वैसा मिला नहीं। एज यू कैन सी सिल्वर ज्वेलरी एंड दुर्गा पूजा वाले ज्वेलरीज बहुत ज़्यादा हैं, थोड़े बहुत वेडिंग वाले। ट्रॉली बैग कितना अच्छा ले लिया हम लोग, अब आराम से लेके चलेगी मेरी बटक बटक के चल रही है। फिर टू का ब्रेक एंड थोड़ा बहुत चाय एंड आइसक्रीम वगैरह खाया। एंड सी के सी मॉम ने ऑर्डर किया, यहाँ पर बाकी बहुत कुछ सिखाने को। एंड फिर हमने कुछ हीज एंड स्ट्रूज वगैरह ये सब देखा एंड काफ़ी अच्छे अच्छे भी थे वहाँ पर, तो हमने कुछ बाय भी कर लिया मेरी मम्मी और मैंने दोनों। ये एक शॉप है जिससे मेरी मम्मी ने बाय किया है एंड सेकेंड वाला ये शॉप है जिससे मैंने बाय किया है। एंड काफ़ी अच्छा क्वालिटी था, शॉप के ऊपर मंजा थोड़ा शेड लगे बट क्वालिटी काफ़ी अच्छा था। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आए हैं जहाँ वाम मोमो में खाने के लिए कुछ, यहाँ पर वाम मोमो के बगल में बहुत कुछ था, लाइक डोमिनोज, KFC एंड आपका ये बरिस्ता एंड ऑल सब कुछ था यहाँ पर, बट हम लोग वाम मोमो में रुके। एंड एज यू कैन सी हमने दो बर्गर कॉम्बो एंड एक कोल्ड ड्रिंक लिया। सो उसके बाद हम यहाँ पर आए, आई बॉट दिस लाइनर वगैरह। एंड यहाँ पर कॉस्मेटिक का कोई कमी नहीं, हर जगह कॉस्मेटिक कॉस्मेटिक है। एंड फिर नेक्स्ट वी हेड एंड होम, क्योंकि हम लोग दोनों थक चुके थे बहुत पूरी तरह। सो हम लोग मेट्रो से जा रहे हैं एंड एज यू कैन सी जैसे यहाँ पर ये मेट्रो, उसके आस पास लाइक मेट्रो से निकलते ही बाजार है एंड ये एक शॉप, लेकिन हम लास्ट स्टॉप रुके। एंड यहाँ पर मोस्टली सब कुछ था, कॉस्मेटिक का सब कुछ, यू नेम इट यू गॉट इट। एंड ये जर बिल्कुल एकदम मेट्रो के बगल है इसका गेट एंड वहाँ पे ये। सो हम लोग घर आ चुके हैं, आज आप देख सकते हो, आई डोंट नो कि आप देख सकते हो कि नहीं, हम लोग बहुत थके हुए हैं। लाइक सुबह हम लोग 2 बजे के आसपास निकले थे एंड अब लिटरली 10 बज रहे जैसे जब हम घर पहुँचे थे एंड काफ़ी पैर दर्द हो रहा है, पैर पूरे तरह से लाल हो चुका है एंड हमारा पैर जवाब दे चुका है। सो क्या करें, तो मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है, मैं आपको सब बारी बारी दिखा देती हूँ। हाँ, कुछ चीज़ें नहीं दिखाने वाली हूँ, कुछ नहीं एक्चुअली, 2 या 3 चीज़ है जो है बहुत बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल, चिंता मत कीजिए, इतना भी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं। जस्ट क्या है कि वो कुछ ड्रेस ही है, 2 ड्रेस लिए हमने एंड वो दोनों ड्रेस का जो शॉप है वो बता देती हूँ। एक सूट बाज़ार से है एंड दूसरा वाला जिप्सी बुटीक से है, एक सूट बाज़ार से है एंड दूसरा जिप्सी बुटीक से है। एंड प्लीज़ विजिट दैट शॉप, उनके पास काफ़ी ब्यूटीफुल लहंगा, साड़ी, शरारा एंड बहुत सुंदर सुंदर पीसेज है, बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें हैं एंड उनके पास हर चीज़ का 1 पीस है। सो वैसा पीस आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन एंड उनके प्राइस भी काफ़ी अच्छे हैं ना। सो यस, मैंने वहाँ से 2 चीज़ ली है जो मैं आपको दिखा नहीं सकती, आई एम सॉरी,
क्योंकि इन फ्यूचर वीडियोस अगर आपको देखना है सो यू हैव टू वेट फॉर माय फ्यूचर वीडियोस बिकॉज वो किसी फंक्शन के लिए गया है, एंड अगर मैं आपको दिखा दूँगी तो सरप्राइज ख़राब हो जाएगा ना। सो मुझे अपना सरप्राइज ख़राब नहीं करना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो स्टार्टिंग करते छोटे छोटे चीज़ों से। मैंने ये वाला जो लिया है पैर में जो बांधते हैं ना तागा, ब्लैक तागा, तो मेरा टूट गया, तो मैंने काफ़ी टाइम से पहना नहीं है, तो मैंने अपने लिए एक ये वाला लिए हैं। एंड ये पूरा लाइक इसमें यहाँ पर बटरफ्लाइज है पूरे दिख रहे हैं, आई डोंट नो इफ यू कैन सी एंड नहीं। एंड एक मेरी मॉम ने अपने लिए लिए है, इसमें वो नज़र नहीं लगने वाला जो होता है ब्लू वाला, मुझे नहीं पता इसको आँख शायद बोलते हैं, आई तो ईवल आई बोलते हैं आई गेस इसको, तो वो लगा हुआ है एंड वो लिया है मेरी मॉम ने। आई एम सॉरी ऑल्सो कि मैं आपको प्राइस नहीं बता पा रही हूँ, क्योंकि इतना शॉपिंग किया है ना कि मैं लिटरली प्राइस भूल चुकी हूँ, मुझे बस बड़े बड़े चीज़ों का प्राइस याद है, तो अगर बताऊँगी तो सब बताऊँगी, इससे अच्छा नहीं बताऊँ तो अच्छा है। एंड फिर मैंने ये तीन रिंग्स लिए हैं एक शॉप से, एंड एक ये येलो रिंग है, एक तो ये येलो रिंग है और एक ये सिल्वर रिंग है, इसमें पूरा इट्स लाइक मोर बना हुआ है, एंड एक ये स्टोन वाला रिंग है इसमें है। हाँ, ये ग्रीन कलर का इयर रिंग्स लिए है, ये ग्रीन कलर का इयर रिंग्स हमने लिए है, एंड ये एक हिलेरी रोडा का सिल्वर आईलाइनर लिया है, काफ़ी अच्छा आईलाइनर है, एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है, इट्स रियली गुड पिगमेंट, काफ़ी अच्छा है इसका। एंड नेक्स्ट है ये एक नेकलेस मैंने लिया है, इसमें यहाँ पर ईवे लाइव बना हुआ है नीचे में, ये दो एक साथ है, एक ऊपर में डेजीज है, पहले पूरा वाइट डेजीज भी था बट मैंने कलरफुल डेजी लिया है ताकि मैं हर तरह के ड्रेस के साथ कर पाऊँ, एंड नीचे में ईवल आई है ये वाला, एंड ईवल आई भी काफ़ी ब्यूटीफुल, इसमें स्टोन्स लगे हुए हैं। नेक्स्ट मैंने ये यूडा ब्यूटी का आई लैशेस लिए है, आई डोंट नो इफ कि ये सच में यूडा ब्यूटी है, क्योंकि यहाँ अंदर में तो कुछ और ही लिखा है जो मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, आई डोंट नो कुछ तो लिखा है अंदर में जो मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, यहाँ ऊपर में यूडा ब्यूटी लिखा है लेकिन यहाँ पीछे में लिखा है जिजल लैशेस आ परफेक्ट फुल लेंथ एंड वॉल्यूम गॉर्जियस फ्रॉम, आई थिंक ये लैश का नाम है बट आई डोंट नो इफ इट्स रियली यूडा ब्यूटी और नॉट, बट लैश का क्वालिटी एक्चुअली काफ़ी अच्छा है, तो मैंने बाई कर लिया, एंड ये थोड़ा नेचुरल लुकिंग में है तो मुझे ऐसे चाहिए भी थे एक नेचुरल लुकिंग में। एंड नेक्स्ट मैंने ये वाला क्लॉ क्लिप लिया है, देख सकते हो जैसे आप कि ये दो कलर में है, यस ब्लैक एंड वाइट, वहाँ पर और भी काफ़ी सारे दो कलर में थे बट मुझे ब्लैक एंड वाइट ज़्यादा अच्छा लगा डेली पर्पज़ के लिए। एंड मैंने एक और क्लॉ क्लिप लिए हैं, एंड ये वाला पूरा बीच कलर में है, क्रीम बीच, आई डोंट नो न्यूड कलर में एक्चुअली ये, तो ये दो क्लॉ क्लिप मैंने लिया है। एक्चुअली मेरे पास ऑलरेडी एक क्लिप था बट वो काफ़ी लाइक आई डोंट नो छोटा था, आई डोंट नो व्हाट, एंड मेरा जो बाल है काफ़ी ज़्यादा हैवी है, एंड मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा घना है, क्योंकि रिसेंटली नहीं बट कभी कभी मेरे काफ़ी हेयर फॉल भी होते हैं, बट जो बाल का जो क्वालिटी होता है ना थोड़ा थिक है, थिक बोले या फिर थोड़ा मोटा बोले मुझे वो वर्ड नहीं मिल रहा, प्लीज़ कमेंट में बताना उसको क्या बोलते हैं, तो काफ़ी हुआ तो काफ़ी हैवी हो जाता है, एंड मेरे बाल काफ़ी जल्दी स्लिप भी करते हैं क्लिप्स उसमें से, तो मुझे थोड़े बड़े वाले चाहिए थे, एंड ये वाला काफ़ी अच्छे से मेरे बाल में रह रहा था तो मैंने दो ले लिए। एंड मैं रास्ते में रबड़ लेके जाना भूल गई थी तो मैंने ये वाला लगा लिया, यस मैं रास्ते में पूरा लाइक ख़रीदते मैंने इसको लगा लिया था अपने सिर में। सो नेक्स्ट है कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स, एंड ये एक पफ का सेट मैंने लिया है, इसमें कौन कौन से पफ है एक्चुअली खोल के देखते हैं,
ये पफ का सेट लिया है एंड इसमें 5 ब्यूटी ब्लेंडर है। ये एक थिन वाला ग्रीन कलर का, ये काफ़ी ज़्यादा थिन एंड सॉफ्ट भी काफ़ी ज़्यादा है एंड आई थिंक इसका कुछ और थोड़ा सा अलग टाइप का है। ये वाला जो है काफ़ी थिन है एंड ये थोड़ा सा सॉफ्ट है एंड काफ़ी अच्छा है क्वालिटी, बट एक अजीब सा फीलिंग आ रहा है। एंड ये दूसरा वाला ये उससे थोड़ा थिक है एंड ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। आई गेस इसके यूजेस दूसरे चीज़ें तो उस हिसाब से उसका क्वालिटी भी है। एंड एक ये सर्कल वाला भी है, ये तो और भी ज़्यादा इससे उन दोनों से थिक है। इन वेट अ मिनट, ये सर्कल वाला भी 2 पीस है। मैं अभी देख रही हूँ, ये सर्कल वाले भी 2 पीस मिले, काफ़ी सॉफ्ट एंड काफ़ी अच्छे हैं। और एक ये नॉर्मल वाला जो ब्यूटी ब्लेंडर होता है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है, ब्लैक कलर का। और एक ये वाला, ये तो और बहुत सॉफ्ट है ये तो। ये वाला एंड एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मुझे ब्यूटी ब्लेंडर एंड उनके टाइप्स एंड उनके यूजेस, मतलब बहुत टाइप के ब्यूटी ब्लेंडर्स होते हैं एंड सबके अलग अलग शायद यूजेस होते हैं, शायद मैं इतनी श्योर नहीं, बट मैंने शायद कहीं देखा था तो मुझे उतना पता नहीं है, तो बस मैंने ले लिया। फिगर आउट कर लेंगे इन फ्यूचर जब ज़रूरत पड़ेगा, तो आई गेस काफ़ी बार ज़रूरत पड़ेगा, साथ में फिगर आउट करेंगे। अगर आप जानना चाहते हो तो हम एक साथ सीख लेंगे। रिक्वेस्ट कमेंट में बता देना अगर आपका ये वीडियो रिक्वेस्ट है तो। नेक्स्ट मैंने, ये कैसे खुलता है यार, ओह ऐसे खुलता। नेक्स्ट मैंने ये वाला लिया, इसमें 3 छोटे पफ्स का सेट है, ये 3 एकदम छोटे छोटे हैं। एंड वन मोर थिंग, जैसे आप मेकअप को कोई भी सामान देते हो ना स्पेशली स्ट्रीट मार्केट से, हाँ क्वालिटी अच्छा होता है, हाँ कभी कभी नॉन ब्रांडेड भी होता है, क्वालिटी भी अच्छा होता है एंड प्राइस भी कभी कभी बहुत सस्ते मिल जाता है एंड कभी कभी ऑनलाइन से ज़्यादा सब महंगा होता है। बट ऑलवेज रिमेंबर, चाहे कितना ही, चाहे ब्रांडेड ही क्यों ना हो, चाहे कितना ही अच्छा क्वालिटी का ना, उसको सैनिटाइज ज़रूर करना। मैंने जस्ट इसको अभी खोला है तो मैं इसको यूज़ करने से पहले एक बार सबको वॉश करूँगी एंड अच्छे से सैनिटाइज कर लूँगी तब यूज़ करूँगी। उसे डब्बा काफ़ी मस्त मिल गया यार, अच्छा है ना, दोनों ब्यूटी ब्लेंडर बस 3 छोटे छोटे को इसमें डाल के कभी घूमने होगा। एंड लास्ट में जो यहाँ पर है, नॉट लास्ट, एक और चीज़ है, ये मैंने आई शेडो ब्रशेस का सेट लिया है। ये पूरे 4 ब्रशेस है इसमें एंड मैं काफ़ी टाइम से आई शेडो ब्रश का सेट खोज रही थी, मेरे पास एक था, एक है एक्चुअली, आपने देखा होगा मेरे वीडियोस में, स्पेशली मेकअप वीडियोस में, एक फ्लफी ब्रश है बट वो काफ़ी बड़ा है मेरे लिए एंड वो एक से मेरा नहीं होता तो मुझे और चाहिए था। इससे क्वालिटी काफ़ी अच्छा है एक्चुअली, काफ़ी प्रीमियम लग रहा है पता है इससे क्वालिटी। एंड इसमें ये सारे टाइप्स के, लाइक ये एंगल वाला है, ये स्ट्रेट एंगल है, ये दूसरा एंगल है, लाइक ये वो स्मॉथ वाला, ये वाला भी है, लाइक जितने टाइप्स के आपको चाहिए होते हैं स्पेशली फॉर आईज़, ये सारे हैं यहाँ पर। एंड मैंने को बहुत टाइम से मैं खोज रही थी तो मैंने एक ले लिया एंड प्राइस भी काफ़ी अच्छा पड़ा, थोड़ा बार्गेनिंग काफ़ी करना पड़ा बट मिल गया। सो लास्ट प्रोडक्ट जो हमारा ब्यूटी सेक्शन में से है वो ये नेल्स हम लोगों ने लिया है एंड ये नेल्स काफ़ी सुंदर लगे, उसके पास काफ़ी अच्छे थे एंड काफ़ी, चलो मैं आपको सिर्फ इसका प्राइस बताती बाकी नहीं, आपको बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे, काफ़ी प्रिंटेड वाला भी। मैं रेंज बताती हूँ नेल्स का, आपको बाज़ार में कितने का मिलेगा, 50 से लेकर 150 के बीच में आपको मिल, हर टाइप का मिल जाएगा। ये रेंज मतलब अलग अलग शॉप में अलग अलग रेंज होता है, मैंने ये 50 में ख़रीदा है एंड से क्वालिटी कितना, लाइक एक्चुअली रियली गुड, मैंने निकाल कर देखा था उस टाइम, उन्होंने बोला तो देख सकते हैं ऐसे, क्वालिटी काफ़ी अच्छा है एंड जस्ट लुक एट दिस, कितने ब्यूटीफुल है। एंड ये ग्लिटर वाला थोड़ा बहुत फ्लेक कर रहा है बट इट्स ओके, पार्टी वगैरह या फिर कोई फंक्शन हम पहन सकते हैं। आई यूज टू हैव लॉन्ग नेल्स बट सो सॉरी, मेरा पैरोट चूजिंग, ठीक है। सो ये जो नेल्स मेरा ऑलरेडी काफ़ी लॉन्ग थे
बट मेरा पहले से नेल बाइटिंग का था, तो मैंने काफ़ी मुश्किल से नेल बाइटिंग रोक रोक के अपने नेल्स लॉन्ग किए एंड इस हाथ के नेल्स काफ़ी लॉन्ग हो गए थे। आगे कोई पिक्चर मिलेगा तो मैं यहाँ पर मैं कहीं पर स्क्रीन में एंटर कर दूँगी। एंड उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि मेरे एक नेल टूट गया, तो उसकी वजह से मुझे सारे नेल हटाने पड़े गए एंड मेरा जो नेल बाइटिंग आदत है वो वापस आ गया। यस, सो अभी मेरे नेल्स ना के बराबर है बहुत बुरे हालत में। सो मेरे को अपना नेल बाइटिंग का जो आदत है एक तरह से मुझे उसको हटाना है, तो ये मेरे को एक टाइम तरह से हेल्प कर सकता है। सो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस। इसके साथ ये ग्लू मिला है, इसमें टू बी ऑनेस्ट कुछ नहीं होता है, सिर्फ हवा भरा हुआ होता है और कुछ नहीं होता इस ग्लू में, पूरा खाली होता है। तुम ऐसे ही मोड़ दो कुछ नहीं निकलेगा इसमें से, किसी काम का नहीं है। मेरे को ग्लू बाय करना था बट उनके पास ग्लू ख़त्म हो गया था, सो मैं कहीं और से ग्लू बाय करूँगी। एंड उन्होंने पता है क्या बोला कि आप क्या करो ना, जो फेविक्विक होता है ना 5 रुपये वाला, उसको यूज़ करके चिपका लो। एंड मेरी मम्मी बोलती है उससे कुछ नहीं होता है। रियली कुछ नहीं होता है क्या? आपने कभी ट्राई किया है कि 5 रुपये वाला फेविक्विक लगा कर? मुझे तो सोच के डर लग रहा है, उंगली चिपक जाते हैं नाकों, तो मेरे काम में जमीन में भी ना चिपक जाए, निकालने के चक्कर में नाखून अष्टी के नाखून निकल जाए। व्हाटएवर, ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। मैंने ये वाला जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है मुझे काफ़ी टाइम से लेने का मन था बट मैं आई वॉज क्या बोलते हैं अपने आप से ही पूछ रही थी ज़रूरत है क्या तुमको इस चीज़ का या नहीं है। बट मैंने काफ़ी लोगों को ऑन यूट्यूब में देखा है इसको यूज़ करते हुए एंड यहाँ की फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स को भी, सो आई एंडेड अप बाइंग इट। एंड ये वाला काफ़ी ब्यूटीफुल मुझे मिला है, लिटरली सेज योर कूल एंड यहाँ ऊपर में लाइक स्टार्स वगैरह है, ग्लिटर्स वगैरह है, स्टार्स एंड मून्स हैं एंड यहाँ पर एक छोटा सा एस्ट्रोनॉट है कितना ब्यूटीफुल है ना। यहाँ पर ब्लैक एंड ऑल भी थे एंड आपको मैंने शॉप दिखाया, आपको एक शॉप मैंने दिखाया होगा जहाँ पर इस तरह के थे, उसके पास काफ़ी सारे थे बट मुझे ये ज़्यादा पसंद है। एंड ये अंदर में ऐसा है, आई डोंट नो इफ इस कि ये थर्मल है ये नहीं, मैं पूछना भूल गई, आई थिंक नॉट, क्योंकि देख के तो लग नहीं रहा कि थर्मल नहीं होगा बट स्टिल। एंड नेक्स्ट मैं आपको ये दो चीज़ दिखाने से पहले आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, और जहाँ हाँ ये इसके अंदर मेरी मॉम ने अपना बैग डाल के रख दिया है अभी से। ये एक बैग है एज यू कैन सी, पर इसमें चौली लगे हुए हैं एंड आप इसको आराम से पूरा ऐसे करके लेके जा सकते हो। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, हुआ क्या कि हम लोगों का सामान इतना ज़्यादा हो गया था, मेरी मॉम ने बोला, एक मार्केट में बोलती है कि काश कोई ऐसा बैग होता जिसमें ट्रॉली होता और हम लोग आराम से लेके जा रहे हो। जस्ट इन 5 मिनट जैसे हम उस मार्केट से निकले, सामने में एक आदमी मम्मी के सामने आके खड़ा हो गया कि आप ये वाला लेंगे मेरी मम्मी बोलती लो भगवान ने सुन लिया मेरा, ये वाला उनको लिटरली उसी टाइम मिल गया। एंड हमारा इतना सारा सामान इसमें डाल के तो हम शांति से फिर हम लोग घूमे हैं शॉपिंग के लिए, तो हम लोग उसी टाइम वापस आ रहे थे, इतना सारा सामान हो गया था। सो एंड ये फोल्ड होके इसको पूरा इतना छोटा करके पैक कर भी कर सकते, इससे मम्मी ने कुछ डाल रखा है तो मैं भी कर नहीं पा रही। एंड नेक्स्ट है ये क्या है, ओके नेक्स्ट कार्ड मिल गया। नेक्स्ट हम ये शूज़ है जो मेरी मॉम ने अपने लिए लिया है एंड मैंने आपको दिखाया होगा कुछ शॉप शूज़ वाले एंड उनके शॉप आपको देख के लगेगा काफ़ी स्केची लगेगा, बट टू बी ऑनेस्ट आपको 3 से लेके 1 ईयर तक का वारंटी में शूज़ मिल जाएंगे वहाँ पर, शूज़ सैंडल्स हील्स काफ़ी सब कुछ मिल जाएगा एंड उनका क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है। मेरे पास एक हील्स है मैंने लिया था, इट्स बिन लाइक 5 to 6 years, आई डोंट नो 5 years आई गेस 5 years हो गया है एंड अभी तक वो वैसे का वैसे ही है, उसमें कुछ नहीं हुआ। हाँ मैंने थोड़ा सा लेजीली उसको थोड़ा रख दिया था तो उसके थोड़े नग वग निकल गए, तो बस कुछ नहीं। तो ये वाला शूज़ मेरी मॉम ने लिया है, दिस इज़ द ब्लैक हील्स
एंड मेरी मॉम वेजेस पहनती, लाइक अगर उनको हाई पहनना, वो पहले हाई नहीं पहनती है क्योंकि उनको थायराइड है एंड उनका काफ़ी जल्दी पैर फूल जाता है एंड चलने में दिक्कत होता है, तो वो जल्दी हील्स पहनती नहीं, तो अगर पहनेगी तो वो वेजेस पहनेगी, इस टाइप की हील्स में पहनती है। तो मैंने मम्मी को तुरंत में ये वेज मिल गया, मम्मी ने लिया अपना एक ड्रेस के साथ, जो ड्रेस मेरी मम्मी ने आज ड्रेस भी ले ली उसके साथ के लिए, तो वो ड्रेस के साथ पहनेगी मेरी मम्मी ये वाला हील्स। एज यू कैन सी काफ़ी सुंदर लग रहा है एंड यस मेरी मॉम मॉडलिंग कर रही है क्योंकि आई हैव टू मेक द वीडियो एंड यस अच्छा हुआ कि वही मॉडलिंग कर, उनके पैर में अच्छा भी लग रहा है। एज यू कैन सी काफ़ी सुंदर है ये वाले एंड इसके वेजेस हैं एंड हाइट भी काफ़ी अच्छे हैं एंड पहना हुआ भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये एक और हील्स है जो कि मेरा है एंड मैंने, सच बोलती हूँ, मैं आपको दिखाने से पहले बोल बताती हूँ कि मैंने फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में इतने ज़्यादा, लाइक सुंदर तो काफ़ी हैं पर इतने ज़्यादा हाई हील्स ली है एंड आई वॉज शॉक्ड कि इतने हाई हील्स इतने कंफर्टेबल भी हो सकते हैं। मैं हमेशा डरती थी कि ज़्यादा हाई हील्स लूँगी तो मेरे पैर के धजियाँ उड़ जाएंगी, बट नो, इट वॉज रियली गुड एंड मुझे हाई हील्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरत था क्योंकि मैंने भी एक ड्रेस ली है आज, मैंने लिए कुछ दिन पहले लिया है एंड सेम प्लेस से लिए जहाँ मम्मी ने लिया है, जो मैं आपको फ्यूचर में दिखाऊँगी, उसके साथ के लिए मुझे चाहिए थी काफ़ी नीचे से लॉन्ग है। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी, कितने सुंदर है ना यार ये, एंड इतने ज़्यादा कम्फर्टेबल, आपको देख के लग रहा होगा ये काफ़ी ज़्यादा हाई है एंड काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल होगा, बट नो, इट वॉज रियली कम्फर्टेबल। एंड ये वाला जो एक्चुअली मेरा जो पैर है ना, मैं आपको दिखाऊंगी, ये जो कट होता है ना यहाँ पर, ये आर्च होता है, कहीं पर तो पिक्चर दिखा दूंगी जिसमें ऐसे आर्च बना हुआ होगा, वो जो आर्च वाला होता है ना, किसी किसी का ना वो लाइक बोलते हैं ना फ्लोर में लाइक लगता नहीं है, बट मेरा जो पैर है पूरा फूट मेरा ज़मीन में लाइक टच होता है, तो मुझे कम्फर्टेबल बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, फैशन चाहिए बट कंफर्टेबल भी चाहिए, नहीं तो मेरा जो जो क्या बोलते हैं उसको, एडी बोलते हैं आई गेस, मैम समझ में नहीं आ रहा मैं इसको क्या बोलूँ, वो जो मैं आपको यहाँ पिक्चर दिखा दूँगी सर्कल करके, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पेन होने लग जाएगा अगर मैंने कंफर्टेबल नहीं पाया, ऐसा लगता है मेरी जो हड्डी अंदर से बाहर निकल रही है, तो ये वाला हील्स पहनने के बाद मुझे ऐसा लगा ही नहीं, इट वॉज सो कम्फर्टेबल एंड यहाँ ऐसे जाके क्लिप हो जाता है, आई डोंट रिमेम्बर सो कैसे पहनते हैं, मैं देख लूँगी एंड वो सो कम्फर्टेबल। एंड ये रहा इसका ये दूसरा पैर, कितना सुंदर लग रहा है एंड मेरी मॉम पहनी है बहुत मुश्किल से, अगर आप मेरी मॉम का भी चेहरा देख सकते हैं तो देखते ही इतनी खौफ में एकदम डरी मेरी मॉम के लिए काफ़ी ज़्यादा ऊँचा है ये वाला, तब भी आप लोग के लिए मेरी मॉम भी मॉडलिंग कर रही है, देखिए, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर माय मदर्स, सो हैप्पी टू बाय देम, जस्ट लुक एट देम, सो ब्यूटीफुल, मैंने दूर से देखा मम्मी इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल ना, मम्मी इज लाइक देख देख, तो क्या मुझे लाइक इतना ऊँचा, तो दुकान वाले ने सुन लिया, बोलता है कि आप पहन के तो देखिए, तो मैंने पहन के देखा, वाज लाइक इन लव, सो आई हैड टू बाय इट। ओ आई फॉरगॉट वन थिंग, मैंने ये कॉस्मेटिक में पार्ट में ही आता है ब्यूटी कॉस्मेटिक पार्ट जो मैं आपको दिखाना भूल गई, मैंने ये दो बैग लिए हैं फॉर ट्रैवल, मैं आप बहुत जल्दी एक, ओके मैं इतना बोल देती हूँ आपको, एक स्पॉइलर दे देती हूँ क्योंकि मैं रोज़ जितने वीडियोस बनाऊँगी मैं हर बार ये रिपीट नहीं कर सकती हूँ कि आगे वीडियो, इट्स लाइक हमारे फैमिली में बहुत जल्दी किसी का शादी होने वाला है, इट्स अपकमिंग मैरिज एंड कुछ ही मंथ में है, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो उस मैरिज के लिए हम ये सारे शॉपिंग कर रहे हैं, तो सारे जितने भी शॉपिंग हो रहे हैं या तो पर्सनल चीज़ का है जो हमें ज़रूरत है या फिर हमारा जो शादी के लिए वो सब का शॉपिंग हो रहा है एंड सो एंड वो शादी कोलकाता में नहीं, कोलकाता से बाहर है, इट्स माई इन माई होम टाउन, वो भी आपको बहुत जल्दी पता चलेगा कहाँ पर, तो वो जो ट्रैवल के लिए मैंने ये लिया अपने साथ कॉस्मेटिक स्किन केयर या फिर जो छोटे छोटे सामान हैं ये ज्वेलरीज वगैरह भी इसमें डाल सकते हो मिला
एंड ये वाला लिए है, काफ़ी अच्छा है एंड आई थिंक इस वाटर प्रूफ लगता तो है, ये वाला शायद वाटर प्रूफ है, तो आप इसको वॉशरूम में लेके जा सकते हैं। काफ़ी क्यूट एंड काफ़ी ज़्यादा अंदर स्पेस भी है इसके अंदर। एंड ये वाला एक लिए है मैंने डेली कॉस्मेटिक्स रखने के लिए, जब हम सामने में रख पाए तो हम सामने में तुरंत मिल जाए, ये उसके लिए। एंड इसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, आई थिंक बहुत कुछ अड़ जाएगा इसमें। एंड या दैट्स इट, ये दो बैग्स लिए हैं। सो सब कचरा लग रहा है यार, यहाँ से खा लिए वो तो यहाँ कचरा हो गया। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड इतने ही सामान थे हम लोग लिए हैं, दो और सामान हैं, ठीक है मैं बता देती हूँ, दो और सामान हैं जो मैं आपको दिखा नहीं रही। एंड एज ए सेट मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ, इन फ्यूचर वीडियो जो हम जो शादी में जाने वाले हैं उसमें आपको हम दिखाएंगे, अभी दिखा देंगे तो स्पॉइल हो जाएगा सारा सरप्राइज यार। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप आपको ये सब पसंद आया हो। प्लीज़ कमेंट में बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड कोई सजेशन वगैरह या फिर कोई ऐसा जगह आप जहाँ चाहते हो कि हम जाके आपको दिखाए या फिर वहाँ के सामान वगैरह दिखाएँ, सो प्लीज़ कमेंट में बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू हैड अ वंडरफुल डे। बाय बाय एंड नेक्स्ट वीडियो।